ये दो लेटेस्ट गाड़ियां आई हैं रॉयल एनफील्ड की, लंबी लाइन लगी है पोल्यूशन चेक के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सैटरडे 4th of December। आज आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा इलाहाबाद से यहाँ, तो मैं अभी भी निकल रहा हूँ और उनको रिसीव करने जा रहा हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा है बाहर, 5:10 हो रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा, एकदम सन्नाटा, सर्दियों की सुबह है। कल का वीडियो अभी नहीं आ पाया है क्योंकि कल वाला जो वीडियो था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो उस वीडियो को अभी और एडिट करना बाकी है, लेकिन वो वीडियो आज आ जाएगा 10 बजे तक। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है शूट करने के लिए। चलते हैं स्टेशन और मम्मी पापा को लेकर के आते हैं। वाह, एकदम खाली खाली सड़क, मजा आ रहा है। दिल्ली की सड़कें इतनी चौड़ी हैं पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि दिन में निकलो समझ में नहीं आता, पर रात को ना या अर्ली मॉर्निंग, अभी जैसे इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। पहुंचा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये है हमारी पार्किंग, प्रीमियम पार्किंग। भैया यहाँ पे बहुत ही महंगा टिकट है, 150 रुपए। पहुंचा है स्टेशन पर, ट्रेन अभी आई नहीं है। आ गई हमारी ट्रेन जिसका था इंतजार, हम सफर एक्सप्रेस, और B13 क्या नंबर है, B13 में है मम्मी पापा। तो आ गए आदू के दादा दादी और आदू की फुल ऑन मस्ती चालू हो चुकी है। तो मेरा कल का जो वीडियो था वो लाइव हो चुका है और अब आप जाके इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो जब फुटेज ज़्यादा होती है, जब हम लंबा वीडियो शूट करते हैं, तो उसको एडिट करने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कल शाम हो चुकी थी, थोड़े से काम थे, तो वो एडिट तो कर लिया था पर उसको फाइनल एडिटिंग और फिर उसको अपलोड करने में थोड़ा सा समय लगा, तो वो आज सुबह मैंने कर दिया है। फिलहाल तो मम्मी पापा आए और इलाहाबाद से मेरी गाड़ी की RC आ चुकी है, RC आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो आ चुका है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है गाड़ी का वो आ चुका है, और अभी तक मैंने अपनी बाइक का हिमालयन का पोल्यूशन नहीं कराया था। नई गाड़ी है, वैसे तो मैं पोल्यूशन हमेशा रखता हूँ, उसका चेक रखता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको पुलिस रोक ले और आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे। तो इंश्योरेंस तो ऑलरेडी हो रखा था, RC आया नहीं था, तो RC आ चुका है। अभी मैं जाता हूँ और अपना पोल्यूशन चेक करवा लेता हूँ जा कर के, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है। चालान नहीं देना चाहता हूँ मैं किसी भी सरकार को ना ही पुलिस को, तो चलो चलते हैं करा के ला। तो ये दो लेटेस्ट गाड़ियाँ आई हैं रॉयल एनफील्ड की, एनीवेज मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी हमारी गाड़ी ये है भैया हिमालयन, चलो इसका चल के पोल्यूशन कराते हैं। पेट्रोल बहुत खाती है यार, ये पेट्रोल बहुत खाती है, देखो उठ ही नहीं पा रहा इसका डंडा। लंबी लाइन लगी है पोल्यूशन चेक के लिए, हर इंसान को पोल्यूशन चेक कराना है और बहुत तेज़ी से इसकी चेकिंग भी चालू है। गुड मॉर्निंग अद्विक, अच्छा नैप टाइम ओवर हो गया। तो 2-3 दिन के क्लाउडी वेदर के बाद अच्छा खासा आज सनी डे था, मौसम काफ़ी क्लियर है आज दिल्ली NCR में, कोई धुंध नहीं है, कुछ बादल नहीं है, बहुत ही अच्छा वेदर आज का। बिल्कुल सर्दियों के दिन में जैसे क्रिकेट खेलने वाला मौसम होता था वैसा मौसम है। तो हो गया पोल्यूशन और 1 साल का पोल्यूशन हो चुका है मेरी बाइक का, तो अब नेक्स्ट ईयर दिसंबर में जाके मुझे अपना पोल्यूशन दोबारा रिन्यू कराना होगा। तो गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ है, गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है इस सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी पोल्यूशन वाले सेंटर पर। इस वक्त अगर आपकी गाड़ी को पुलिस ने रोका तो उसको पोल्यूशन चेक ज़रूर मांगती है, और अगर पोल्यूशन चेक नहीं हुआ तो फाइन भी हैवी है उसके ऊपर। तो अगर आपकी गाड़ी का भी पोल्यूशन नहीं है या ख़त्म होने वाला है तो उसको ज़रूर रिन्यू ज़रूर करा लें।